मैं हूँ पायल रोहतगी और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ अपने मुंबई के घर के टेरेस से। जी हाँ, आप सबको तो पता चल गया होगा कि मैंने लास्ट जब आपसे बात करी थी तब आई वॉज कंटेम्पलेटिंग कि मैं घर जाऊँ तो मैं संग्राम को बोलूँ या ड्राइवर वो भेजे मर्सिडीज़ में मुझे पिकअप करने के लिए या मैं टैक्सी लूँ, बिकॉज मैंने जैसे आपके साथ कहा आई वॉन्टेड टू शूट रिकॉर्डिंग फ्रॉम सिटिंग इन अ टैक्सी एंड सीइंग रिएक्शंस ऑफ माय मदर एंड डूइंग ऑल दोज ड्रामा दैट वी डू व्हाइल शूटिंग फ्रॉम अ टैक्सी एंड देन गोइंग होम एंड रीचिंग होम। मगर मेरे साथ जो हुआ टैक्सी के अंदर बैठने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग था एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैंने ज़्यादा रिएक्शन नहीं दी टू दैट वर्बल अब्यूज़ दैट हैपन टू मी। एंड मेरे साथ मदर थी तो मदर ने मुझे बोला चुप रहे चुप रहे चुप रहे, बिकॉज उसकी आदत है कि शी थिंक्स कि ऑब्वियसली मैं ही गलत हूँ, बट दैट्स द वे पेरेंट्स आर, दे जस्ट वॉन्ट टू प्रोटेक्ट देयर किड। तो उनको लगता है कि बच्चों को चुप रहने के लिए बोल देंगे एंड सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। सो लेट्स हियर फ्रॉम माई मदर, अभी वो भी चाय पी रही है, हम लोग ग्रीन टी पी रहे हैं। आपको कुछ बोलना है फॉर पीपल व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली दैट डे? एक्चुअली वी अबाउट टू सिट इन द टैक्सी एंड दिस पर्सन द ड्राइवर ही वॉज आई थिंक एंग्री फ्रॉम बिफोर हैंड ओनली, सो वी जस्ट टोल्ड हिम टू पुट द सूटकेसेस एंड बिफोर दैट ओनली ही स्टार्टेड शाउटिंग एट अस। सो पायल वॉज अ लिटिल, शी वॉज इन अ डिफरेंट स्टेट एट दैट मोमेंट, बट एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू लेट द मैटर गो अ लिटिल फर्दर, सो आई जस्ट टोल्ड हिम कि वी आर जस्ट टेलिंग यू पोलाइटली, व्हाई आर यू शाउटिंग? He saying no, I am not shouting, you are shouting, though we were not saying anything roughly or loudly. So I let it go and I told Payal to be calm, let us sit and let's reach home, that's it. Since we had to take the taxi home, they were... Because humne Sangram ko na bol diya tha ki mat aao tum. Because we had decided it that way, that was the plan for the day that way. But then as we put the luggage and we went a little ahead, that man started doing rash driving and trying to, it felt as though it's going to bang with someone. So Payal had to tell him loudly that keep quiet, don't drive so fast, that's what she said. And he barked back at her very loudly, this, that. So it was a very scary situation for the time being. But though I knew it was a little scary, but we were on a patch where there was no one, neither this way nor that way. So she wanted to get down. But I was not keen on getting out at that time. I thought I can control the situation by just being okay with the thing and just telling that man, go slow in a different way so that he gets diverted a little. So that's what I did. I did tell him in a different way that go slow. We don't want to. We are not in a hurry. We don't want to catch a flight. So then he was in that bad temperament only. And though he slowed down a little, and that's how we went a little ahead. तो मम्मी हम जैसे तैसे घर पहुँच गए, हमने अपने आप को काम रखा, बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करी और घर पहुँचने के बाद मैंने ऑब्वियसली मेरू के हेल्पलाइन को फ़ोन किया। मगर आपको कुछ कहना है कि लोगों को ऐसी सिचुएशन कैसे अवॉइड करनी चाहिए मम्मी? सो वी लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट दैट वी शुड नॉट बी इन अ पोजिशन where we are trapped like this way. No, if we are also trapped, we should make a halt there, take action immediately, get down from that vehicle wherever XYZ, and then think of an alternative what to be done, not continue in the same vehicle. Yes. Which was a wrong step that we did. Yes, क्योंकि हमको है ना वो एयरपोर्ट के फ्लाईओवर पे ही उतर जाना चाहिए था when he started driving very fast and we should have just got down and then called the helpline or done whatever. But we sat in the car, that was our mistake, क्योंकि उसके बाद वो आगे जाके हमको और verbal threat देने लगा, ठीक है ना? तो अभी हमने serious बातें कर ली है, तो अभी मैं आपको मेरे terrace का round दिखाती हूँ. Terrace. ऐसा होता है मुंबई में सब कुछ. This is how Mumbai is. Hard earned की कमाई का घर और उसका टेरेस, करण जौहर की कमाई का घर और उसका टेरेस, बहुत फ़र्क होता है ना सब में. बट एक फ़क्र होता है जब खुद का घर होता है. हाँ मम्मा बोलो बोलो बोलो. सो दैट्स द टेरेस, आप यहाँ से पीछे देख सकते हैं, यू कैन सी द आई थिंक सम नाला इज देयर, सम गोरेगांव का समथिंग. यहाँ पे यू सी द अरेबियन सी, दैट्स द अरेबियन सी पीछे. ये सब उसका छपड़ा आई थिंक उड़ गया है बारिश की वजह से, बट दिस इज द अरेबियन सी.
सो अभी धूप आ रही है तो मैं बाल सुखाने वाली हूँ, बिकॉज बाल सुखाना तो आपको पता है मैं कैसे सुखाती हूँ, मैं धूप में सुखाती हूँ। तो मेरे मुंह पे एक दो दाने आ गए, तो आई थिंक मुझे जाके ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। दिस इज़ बिकॉज ऑफ ट्रैवल एंड स्ट्रेस एंड एवरीथिंग। बाकी तो आप सबको पता है मजे ही मजे हैं। पायल तो अपने फॉर्म में बहुत जल्दी आ जाती है। ये अभी देखो मेरी जो टेरेस के ऊपर है ना, यहाँ पर ये स्प्रिंग आनियन, ये स्प्रिंग आनियन है। हाँ मम्मा, स्प्रिंग आनियन, आई कैन रिमूव इट एंड शो यू। यू कैन रिमूव इट, रिमूव इट। ये स्प्रिंग आनियन है। ओ माय गॉड, बट मम्मा ये बन गए, बन गए। हाँ, बट उसका मुंह निकालना है ना मेरे को। खाओगे क्या? तो वो माली निकालेगा ना। ये स्प्रिंग अनियन है, ये लेमन ग्रास है, ये ब्रिंजॉल है, टोमेटो है, थॉर्न है मम्मा। नो, दैट इज ब्रिंजॉल, ब्रिंजॉल है। और पुदीना आपने कहाँ से तोड़ा था? अपने टेरेस के ऊपर हम कोशिश करते हैं कि हम खाना या सब्जी ऑर्गेनिक उगाए। एंड मैं यहाँ पे ज़्यादातर नहीं रहती, तो इसलिए संग्राम इज़ नॉट एबल टू फिगर इट आउट विद द मालीज। बट अब मैं आई हूँ थोड़े दिनों के लिए, सो आई विल सी कि मैं थोड़ा बहुत और यू नो सीड्स डाल के जाऊँ, तो जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो वी हैव मोर वेजिटेबल्स ऑन द टेरेस। क्या कर रहे हो मम्मा? खुशबू किसकी है? रोज 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 ओ माय गॉड, रोज 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 रोज। तो रोज रोज लग रहा है मम्मी के सर के ऊपर बालों में। एंड अभी थोड़ी धूप ज्यादा हो गई है, सो वी विल गो इनसाइड एंड फिगर आउट द डे।